हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी आवर टारगेट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं साइंस के बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक है मानव शरीर यानी ह्यूमन बॉडी। इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से जरूर देखिएगा। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर यानी स्टडी आवर टारगेट पर हर रोज शाम में 6 बजे मेरा वीडियो इस चैनल पर अपलोड होता है, जैसा कि हर रोज़ पहले भी होता था और आगे भी होती रहेंगी। लेकिन एक आप लोग से शिकायत आया है, वो मेरा भी गलती है उसमें, वो मेरा मतलब 100% गलती है, ठीक है ना। मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूँ। आपका ये रिक्वेस्ट है, आपका ये शिकायत है कि पिछले वाले वीडियो में जो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं यानी लास्ट वाला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 41 जो होता है, जो आपसे हम मतलब आपसे हम पूछते हैं, उसका डिस्कस हम अगले वाले वीडियो में नहीं करवाते थे, यानी उसका आंसर हम नहीं बताते थे कि उसका आंसर सही क्या होगा, ताकि आपको ये अंदाज लग सके कि पिछले वाले वीडियो में जो हम क्वेश्चन का आंसर बताए थे वो सही बताए थे कि गलत बताए थे। ठीक है, आपका कहना बिल्कुल सही है, मेरा उसमें 100% मेरा ही गलती है, क्योंकि मैं उस बात पर ध्यान नहीं देता था। लेकिन कॉमेंट, कल परसों वाली कॉमेंट पढ़ा तो मुझे बहुत बुरा लगा, अपने आप में बहुत गलती फीलिंग किए हैं, गलती है मेरा उसमें। ठीक है, तो आज से हम डिस्कस करते चलेंगे पिछले क्वेश्चन का, ताकि आपको भी मतलब ये कॉन्फर्मेशन हो सके कि हम जो पिछले वाले वीडियो में क्वेश्चन का आंसर बताए थे वो सही बताए थे या फिर गलत बताए थे। अगर गलत बताए थे तो उसका सही आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, तो बस ये आपका एक रिक्वेस्ट है। बाकी सब बढ़िया से सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा मुझे लग रहा है कि वीडियो को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को, और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि डेली शाम में 6 बजे मेरा वीडियो इस चैनल पर अपलोड होता है। टॉपिक वाइज भी होता है, मतलब मिसलेनियस भी होता है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी सपोर्ट मिले, मुझे मोटिवेशन मिले, ताकि और भी अच्छे से आप लोग के साथ पढ़ा सकूँ, शेयर कर सकूँ ज्ञान जितना ज़्यादा हो सके। ठीक है, बस यही आपसे एक रिक्वेस्ट था, मतलब आपका एक रिक्वेस्ट यही था, एक शिकायत यही था, बाकी सब कुछ ठीक है ना, बाकी सब कुछ आपको ठीक लग रहा है मेरा वीडियो, बस यही एक शिकायत था कि डिस्कस नहीं करवा रहे हैं ना। एक स्टूडेंट का मैंने कमेंट पढ़ा तो वो बोल रहे थे कि सबसे बड़ी गलती आप ये कर रहे हैं कि पिछले वाला क्वेश्चन में, पिछले वाले वीडियो में क्वेश्चन पूछ देते हैं और अगले वाले में डिस्कस नहीं करवाते, सबसे बड़ी गलती आप में यही है, बाकी सब कुछ ठीक है। तो मैंने अपने आप में मतलब गलती फीलिंग किया, तो चलो वो सही है। चलिए सबसे पहले कल वाले वीडियो का क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। कल वाले वीडियो था वो मुगल काल से रिलेटेड था, है ना। हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक था मुगल काल, जो कि 1526 से लेकर 1857 तक चला था। उसमें लास्ट क्वेश्चन मैंने ये पूछा था कि औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया, तो इसका आंसर जो था ऑप्शन नंबर डी सही था। डी में क्या था कि उसे अपने शासन काल में निरंतर युद्ध करने पड़े, इसलिए उन्होंने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया। किसने? औरंगजेब ने, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी सही था, बहुत सारे स्टूडेंट का सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी सही था, ठीक है ना। तो मैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि वो सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और आगे भी इसी तरह से जारी रखें, कंटिन्यू वीडियो देखते रहें, सीखते रहें, हमेशा रिविजन करते रहें। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है। दोस्तों, अगर किसी भी प्रश्न का आंसर आपको मालूम हो तो आप वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 206। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो 206 हड्डियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है। दोस्तों, लास्ट में आप वीडियो के कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि टोटल 40 क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, तो 40 क्वेश्चन में से आपका कितना सही आंसर हो रहा है, ठीक है। आप ये वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा और साथ में लास्ट क्वेश्चन का भी आंसर बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लगभग 300 होती है, ठीक है ना। लगभग 300 होती है नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या, और मनुष्य में कुल हड्डियों की संख्या तो 206 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती है। दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 8 होता है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होता है? तो 8 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। दोस्तों, पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 12 जोड़े होते हैं। 12 जोड़े कहने का मतलब है कि 12 दूना 24। अगर जोड़े में ना पूछा हो आपसे अगर जोड़ा में ना पूछे और डायरेक्ट संख्या में पूछे तो 24 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, शरीर की सबसे ज़्यादा प्रबल अस्थि होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जबड़े, ठीक है ना। जबड़े की अस्थि यानी जबड़े की हड्डी जो होती है मानव शरीर की सबसे ज़्यादा प्रबल यानी मजबूत हड्डी होती है। जबड़ा जो होता है वो गर्दन के ऊपर जो इसको बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं,
दाढ़ी जो होता है दाढ़ी, वही दाढ़ी को जबड़ा बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्टेपिस। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होती है स्टेपिस होती है। दोस्तों स्टेपिस जो होता है वो कान की हड्डियाँ होती है, स्टेपिस जो होता है वो कान की हड्डियाँ होती है, वो सबसे छोटी, इतना छोटा हड्डी होता है, इतना छोटा, ठीक है ना, सबसे छोटा हड्डी होता है मानव शरीर के, ठीक है, स्टेपिस। दोस्तों आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि मानव मतलब कान जो होता है वो कान में कुल हड्डियों की संख्या कितना होता है, तो 6 होता है, दोनों कान में मिलाकर 6 हड्डियाँ होता है। अगर आपसे एक कान में पूछा जाए तो एक कान में 3 हड्डियाँ होता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फीमर की हड्डी। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है तो फीमर की हड्डी है। दोस्तों फीमर जो बोला जाता है वो जांघ की हड्डी, फीमर की हड्डी कहने का, सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर, यानी जांघ की हड्डी, जांघ की हड्डी को फीमर बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ह्यूमरस। ह्यूमरस जो है ये मानव के पैर की हड्डी नहीं है, बाकी ये जो है टीबिया है, फीमर है, फिबुला है, ये सब जो है मानव के पैर की हड्डी है। ह्यूमरस जो है मानव के पैर की हड्डी नहीं है। दोस्तों ये जो ह्यूमरस जो है ये ऊपरी भुजा में पाया जाता है, ठीक है ना, ऊपरी भुजा में पाया जाता है मानव शरीर के, तो वो इसलिए वो पैर की हड्डी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 जो है, ये ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है, तो ये ऊपरी भुजा में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी संरंध्री होती है। क्या होती है? संरंध्री होती है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है। टीबिया नामक हड्डी जो होता है वो किसमें पाई जाती है, तो उसमें टांग में पाई जाती है। दोस्तों टांग में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जांघ की हड्डी, यानी जिसको फीमर बोलते हैं, ये तो पहले भी बता चुके हैं, फीमर बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं। दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व जो है वो कैल्शियम व फास्फोरस है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियाँ क्यों कमज़ोर हो जाती है, यानी बुढ़ापा में मनुष्य की हड्डियाँ क्यों कमज़ोर हो जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैल्शियम की कमी हो जाने के कारण वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियाँ जो होता है वो कमज़ोर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है। अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, कैल्शियम फॉस्फेट, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, कैल्शियम फॉस्फेट जो है वो अस्थि में मतलब सर्वाधिक मात्रा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टेंडन। अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जो जोड़ता है, देखते हैं हड्डी जैसे अस्थियों एवं पेशियों में, यानी हड्डी हो गया और मांस हो गया, तो उसको आपस में हड्डी एवं पेशियों को जो आपस में जोड़ता है वो टेंडन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए बीपीएससी 1994 में पूछा गया है और भी कई एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया क्योंकि पहले का बुक में लिखा हुआ है, ठीक है, तो कई एग्जाम में ये पूछा गया है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 20। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत जो है वो 2 बार विकसित होते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत में। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग जो होता है वो छोटी आंत में संपन्न होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुख से प्रारंभ होती है। मनुष्य में पाचन क्रिया जो होता है वो कहाँ प्रारंभ होता है, तो मुख से प्रारंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 32 फीट लंबी होती है मानव की पाचन नली जो होता है वो 32 फीट लंबी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है,
मुख में मंड, मंड बोले तो स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टाइलिन के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कॉर्निया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कॉर्निया जो है वो पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। दूध जो है वो प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, तो रेनिन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, रेनिन एंजाइम जो है वो दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छोटी आंत। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लगा लीजिएगा इसको। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एंजाइम की खास आवश्यकता होती है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों मैं आपकी बातों को समझ सकता हूँ कि आपको कोई कोई क्वेश्चन बोरिंग लगता होगा कि हाँ ये क्वेश्चन आता है फिर भी ये मास्टर फ्री में करवा रहा है, बगैर मतलब का मास्टर जो है टाइम बर्बाद कर रहा है मेरा, है ना। तो ये टाइम बर्बाद, दोस्तों टाइम बर्बाद नहीं होता। ये क्वेश्चन आपको, जैसे कोई क्वेश्चन मान के चलिए क्वेश्चन नंबर 27 आपको आता है पहले से, तो ये क्वेश्चन आपके लिए रिवीजन में चला जाएगा। ये क्वेश्चन रिवीजन टास्क हो गया, ये रिवीजन हो गया क्वेश्चन। तो रिवीजन होने से क्या होता है कि आपका मेमोरी रिवीजन हो गया, इसका मतलब फिर से ज़्यादा दिन तक याद रह सकता है, ठीक है। नहीं तो धीरे धीरे वो क्वेश्चन को अगर रिवीजन नहीं करते तो वो धीरे धीरे प्रैक्टिस छूटने के कारण, वो क्वेश्चन दोबारा नहीं देखने के कारण भूल जाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए बीच बीच में अगर कोई क्वेश्चन डबल रिपीट भी हो जाता है, जो क्वेश्चन को आता है, तो वो रिवीजन के तौर पे समझ लीजिएगा, ये मत समझिएगा कि वो टाइम मेरा बर्बाद हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो स्टार्च के पाचन में सहायक होती है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है, वो एक्स क्या है? दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है, वो एक्स क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यानी HCl है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? दोस्तों इसका सही आंसर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छोटी आंत में सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उदर से। प्रोटीन का पाचन जो है कहाँ से प्रारंभ होता है? तो उदर से प्रारंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है, आमाशय द्वारा स्त्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेते हैं, लेकिन आमाशय स्वयं इन पाचक रसों से अप्रभावित रहता है क्योंकि आमाशय की दीवार श्लेष्मा यानी म्यूकस के द्वारा सुरक्षित रहती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग जो है वो चूषण करता है? तो ये यकृत, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यकृत जो है पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का यकृत अंग चूषण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है, पेप्सिन, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लीजिएगा, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। पेप्सिन जो है ये एक एंजाइम है दोस्तों, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पेप्सिन एक एंजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है, पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि पेप्सिन जो होता है वो एक एंजाइम होता है, इसलिए प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है, पाचन क्रिया
पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यकृत। यकृत अंग जो है, मतलब यकृत जो है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यकृत। पित्त जो है वो यकृत द्वारा पैदा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है, पित्त को इंग्लिश में बाइल बोला जाता है दोस्तों, ठीक है ना, पित्त को इंग्लिश में बाइल बोला जाता है, पित्त यानी बाइल जमा होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पित्ताशय में। देखिए यहाँ से तो ये क्वेश्चन रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये तो ऐसा ही क्वेश्चन, देखिए पित्त कहने का मतलब पित्ताशय, आप समझ लीजिएगा, पित्त कहाँ जमा होता है, तो पित्त पित्ताशय में जमा होता है, ऐसे ही याद हो गया, रटने की क्या ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है, पित्त यानी बाइल का प्रमुख कार्य है, पित्त का प्रमुख कार्य है वसा का पायसीकरण, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए पायसीकरण को इमल्सीकरण बोला जाता है, इमल्सीकरण भी बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए मैं अपनी गलती को सुधारने की कोशिश किया हूँ, मैं अपनी गलती को स्वीकार किया हूँ, आज से, मतलब आज तो बता ही दिए हैं, कल से भी मतलब इस क्वेश्चन का डिस्कस करते चलेंगे, यानी लास्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा उसका भी डिस्कस किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो इसका आंसर आप जरूर बताइएगा, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? ऑप्शन ए में है लैंडस्टीनर, ऑप्शन बी में है कॉर्नबर्ग, ऑप्शन सी में ब्राउन और ऑप्शन डी में है हॉर्वे। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक करके ही जाइएगा, ठीक है ना, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, मेहनत करता हूँ, तो कम से कम एक लाइक तो करना बनता है, क्योंकि उसमें आपका कोई अकाउंट से बैलेंस नहीं कट रहा है, पेटीएम से पैसा नहीं कट रहा है, क्योंकि उतना पैसा बढ़ जाएगा तो मैं अपना नेट डलवा लूँगा, जियो में MB रिचार्ज करवा लूँगा, तो ऐसा बात है नहीं कि आपका पैसा नहीं कटेगा, लाइक कर दीजिएगा, मुझे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, बाय बाय, टेक केयर।